हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपने सोची भी नहीं होगी। मैं आपको उन लोगों के नाम बताने जा रहा हूं जो देश की नामी हस्तियां हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं। जैसे इरफान खान, उन्हें कैंसर था। ऋषि कपूर, उन्हें भी कैंसर था। अनुराग बासु, उन्हें खून का कैंसर था। मुमताज, उनका तो नाम आपने सुना ही होगा, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर था। नरगिस जी, उनको भी कैंसर था। लीसा राय, फिरोज खान, राजेश खन्ना, ये ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। इन सबको बड़ी बड़ी बीमारियां हुई, जैसे कैंसर है, ब्लड कैंसर है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इन लोगों को हुई। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, खाना भी हमेशा डाइटिशियन की ही सलाह पे खाते थे, दूध भी उस गाय भैंस का लेते थे जो हमेशा एसी में बैठती हो, और हमेशा बिस्लरी का ही पानी पीते थे, जिम भी किया करते थे और अपने शरीर का रेगुलर टेस्ट भी कराते थे। इन सभी के पास हाई क्वालिफाइड डॉक्टर थे। अब सवाल यह उठता है कि इतनी सारी देखभाल के बावजूद इन लोगों को इतनी गंभीर बीमारियां कैसे हुई, क्योंकि यह प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं या मान लो बिल्कुल भी नहीं करते। जैसे हमें प्रकृति ने कोई चीज दी है, अगर हम उसे उसी तरह से ग्रहण करते हैं तो हमें जीवन में कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप गर्मियों में कितनी भी फ्रूटी पी लीजिए, लेकिन वह फ्रूटी आपको आम के गुण वाला स्वाद नहीं दे पाएगी। जो गुण आम में है वो फ्रूटी में नहीं है। अगर हम प्रदूषण ना फैलाएं तो बोतल बंद पानी से कहीं गुना अच्छा धरती का पानी है, जिसे कि हम मटके में रख के पी सकते हैं। आप एक बच्चे को जन्म से ही एक ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ पे एक भी कीटाणु ना हो, और बड़ा होने के बाद उसे एक सामान्य जगह पे छोड़ दो। वह बच्चा एक सामान्य सा बुखार भी नहीं झेल पाएगा, क्योंकि उसके शरीर का तंत्रिका तंत्र उन कीटाणुओं से लड़ने के लिए उसके शरीर को विकसित ही नहीं कर पाया। कंपनियों ने लोगों को इतना डरा के रखा है, जैसे कि मानो अगर हम सुबह साबुन से हाथ नहीं धोते हैं या हम नहीं नहाते हैं साबुन से, तो शाम तक हमें कीटाणु घेर लेंगे और हम शाम को ही मर जाएंगे। समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जी रहे हैं। एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं ना, उसके बाद भी हम सैनिटाइज करते हैं अपने आप को। इंसान सोच रहा है कि हम पैसे के दम पर अपनी जिंदगी जिएंगे। आपने कभी गौर किया कि पिज्जा बर्गर वालों के शहर में एक हल्का सा बुखार भी आ जाए ना लोगों को, तो उनकी धरती घूमने लगती है, चक्कर आ जाते हैं। और वहीं गांव के दूध दही छाछ पीने वाले एक बुजुर्ग आदमी को कोई बीमारी भी हो जाए ना, तो बीमारी बिना दवाई खाए ठीक हो जाती है, क्योंकि उनकी डॉक्टर प्रकृति है। क्योंकि वो शुरू से ही पैदा होते ही प्राकृतिक खाना ही खाते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ, आप प्राकृतिक को अपनाओ। विज्ञान के द्वारा लैब में तैयार की हुई हर एक वस्तु शरीर के लिए नुकसानदायक है। पैसे से स्वास्थ्य और खुशियाँ कभी नहीं मिलती। तो फिर आओ, चलते हैं प्रकृति की ओर। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें, और हमें दोबारा से सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारी इस कहानी को आगे भी शेयर कर सकते हैं। तो बोलिए राधे राधे।